दिखाए गए नाम, वर्ण, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी मृत्यु व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। इस वीडियो में कुछ डरावने तत्व दिखाए गए हैं और उसे परिपक्व को दर्शकों के लिए उपयुक्त है। द किडनैपर समीर एक न्यूज रिपोर्टर था और उसके टीवी चैनल वालों ने उसे स्पेशल कवरेज के लिए एक गांव में भेजा था। उस गांव में हर साल दशहरे और नवरात्रों के दौरान काली माता की एक महापूजा की जाती थी। उस पूजा में एक मेला लगता था जिसकी वजह से गांव का कुछ अलग ही माहौल रहता था। समीर जब वहां पहुंचा तो मेले की रौनक को देखकर दंग रह गया, पर इतनी रौनक और शोर शराबे के बीच में वहां एक भी बच्चा नहीं था। उसने वहां रहने वाले कुछ लोगों से बात की तो उसे पता चला कि पिछले एक महीने से रात के समय बहुत से बच्चे मिस्टीरियसली गायब हो रहे थे। गांव के लोग इस वजह से काफी डरे हुए थे, इसलिए कोई भी अपने बच्चों को उस मेले में नहीं लाया था। कुछ देर तक मेले में ही घूमने के बाद समीर अब वहां से घर की तरफ निकल रहा था। अपनी बाइक को स्टार्ट करते ही हेडलाइट की रोशनी में समीर को एक छोटी लड़की दिखी। वो लड़की वहां बस शांति से खड़ी हुई थी। समीर जैसे ही उसके पास जाने लगा, एक आदमी तेजी से उस बच्ची को उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। ये देखकर समीर के होश उड़ गए थे। वो जल्दी से अपनी बाइक पर बैठा और उस आदमी का पीछा करते हुए घने जंगलों में पहुंच गया। समीर को वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसे थोड़ी ही दूर से एक रोशनी आती दिखाई दे रही थी। समीर अपनी बाइक वहीं छोड़कर उस रोशनी की तरफ चला गया। उस रोशनी की तरफ चलते चलते वो एक छोटे से गोडाउन के सामने पहुंच गया था। जंगलों के बीचों बीच उस गोडाउन का होना बहुत ही अजीब था, पर समीर उस मासूम लड़की के बारे में ही सोच रहा था और उसे बचाने के लिए उस गोडाउन के अंदर चला गया। पर उस गोडाउन के अंदर जो समीर ने देखा वो उसकी सोच से भी परे था। उस गोडाउन के बीचों बीच एक बड़ी सी आग जल रही थी और उस आग के आसपास बहुत से छोटे बच्चे जमीन पर बेजान से पड़े हुए थे। उनके शरीर का रंग नीला पड़ चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस गोडाउन की दीवारों पर लाल रंग से कुछ निशान बने हुए थे और जितना समीर को समझ आ रहा था वो निशान शैतान की पूजा या फिर काला जादू करने के लिए बनाए गए थे। समीर ने कांपते हाथों से अपने मोबाइल से पुलिस को फोन मिलाया, लेकिन तभी समीर को अपने पीछे से एक जोर का धक्का लगा और वो जमीन पर गिर गया। समीर का फोन उसके हाथ से छूट गया और कहीं दूर जाकर गिरा। समीर ने घबराई हुई नजरों से अपने पीछे देखा तो उसके पीछे एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था। उसके माथे पर लाल रंग लगा था और माथे के बीचों बीच एक काला ताबीज था। उसके पूरे शरीर पर राख लगी थी और उसके लंबे लंबे बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। वो आदमी देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। उस आदमी ने समीर की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। देखते ही देखते समीर की सांसें खत्म हो गईं और वो वहीं नीचे गिरकर मर गया। अब वो आदमी समीर की लाश को वहीं फेंक कर उस आग के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उस आग में बार बार कुछ डालकर वो जोर जोर से अपने शरीर को हिलाने लगा। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वो आदमी शांत हो गया और जमीन पर बेहोश पड़े वो बच्चे एक एक करके उठने लगे और उठकर सीधा उस आग की तरफ चलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जान नहीं थी बल्कि कोई कठपुतली की तरह उन्हें आग की तरफ भेज रहा था। तभी उस गोडाउन का दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर आ गई। पुलिस वालों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनके सामने बच्चे झुलसती आग में जा रहे थे। रिपोर्टर समीर की लाश एक कोने में पड़ी थी और वो भयानक दिखने वाला आदमी आंखें बंद करके मंत्र पढ़े जा रहा था। पर पुलिस के आने की वजह से उस आदमी की तपस्या भंग हो गई थी और उसने बहुत ही गुस्से में अपनी आंखें खोली। उसके आंख खोलते ही वहां मौजूद सभी बच्चे बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। कमरे के अंदर की लाइट्स जल बुझ होने लगी और ऐसा लगने लगा कि उस गोडाउन में कोई भूकंप आने वाला है। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, वो भयानक आदमी पुलिस की आंखों के सामने से हवा में कहीं गायब हो गया। पुलिस वालों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत ही उन बच्चों को गोडाउन से बाहर निकाला और उन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कई महीनों की ट्रीटमेंट के बाद वो बच्चे ठीक हुए। इस घटना के बाद फिर कभी गांव में कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो भयानक आदमी कहां से आया और कहां चला गया ये किसी को नहीं पता चला, पर आज भी गांव वाले
उस भयानक आदमी के डर में जीते हैं। न जाने वो कब वापस आ जाए।